नमस्कार नमस्कार साथियों, अपना जो है कि इलास्टिसिटी का टॉपिक चल रहा था, उसका आज का अपना कौन सा क्लास है? तीसरा क्लास है। आज की क्लास में हम जो है कि अपने पास में आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में 1 2 मीटर लंबाई का एवं 1 मिलीमीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार की अवधारणा करें, इसकी लंबाई को 0.1 मिलीमीटर खींचने में किया गया कार्य ज्ञात करना। सही है, कोई भी वायर है उसकी लंबाई दे रखी है 2 मीटर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, और उसका जो तार है उस तार की लंबाई को 0.1 मिलीमीटर खींचने में किया गया जो कार्य है वो अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखना अपने पास में क्या होगा। किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर अपने पास में फॉर्मूला होता है F/2 ΔL, ये किए गए कार्य के लिए फॉर्मूला होता है। सही है, अपन जानते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक गामा बराबर, यंग प्रत्यास्थता गुणांक गामा बराबर अपने पास में होता है F L/A ΔL। सही है, यहाँ से अपन F की वैल्यू याद कर सकते हैं। यहाँ से अपने पास में F बराबर होगा γA ΔL/L, ये F यहाँ रह जाएगा, बाकी सभी इस तरफ चला जाएगा, तो अपने पास में F का वैल्यू आ जाएगा। F का वैल्यू उठा यहाँ रखते हैं तो W बराबर अपने पास में कितना होगा, W बराबर अपने पास में होगा, F का मान है γA ΔL/L, ये F का वैल्यू अपॉन में अपने पास में 2 × अपने पास में क्या है ΔL, ये बनेगा कार्य के लिए फॉर्मूला। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, W बराबर अपने पास में बनेगा γA ΔL 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 का स्क्वायर अपॉन 2L, ये होगा अपने पास में W बराबर। जो वैल्यू अपने पास में क्वेश्चन में गिवन है उठा के इसमें रख देते हैं और इसको सोल्व कर लेते हैं। तो W बराबर अपने पास में गामा का मान क्वेश्चन में दिया गया है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यह है 2 × 10^11 इंटू एरिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर का मतलब कितना हो गया 10^-3 मीटर, और 10^-3 मीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10^-6 मीटर। सही है, एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान अपने को यहाँ दिया गया है ए बराबर अपने पास में है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ से अपने पास में ए बराबर 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर का मतलब 10^-3, 10^-3 का स्क्वायर, तो ए बराबर हो जाएगा 10^-6। एक का मान उठा के रख दिया ΔL, ΔL लंबाई में परिवर्तन, ये कितना है 0.1 मिलीमीटर ΔL, यह दे रखा है 0.1 मिलीमीटर का मतलब 10^-3 मीटर इसका स्क्वायर। इसको दो बार लिख देते हैं, 0.1 × 10^-3 × 0.1 × 10^-3 इसका स्क्वायर हो गया अपॉन में 2, और इसकी लंबाई L, L क्वेश्चन में गिवन है L बराबर है 2 मीटर, ये रख देते हैं 2 मीटर। इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास में देखना, ये 2 से ये 2 कटेगा, 10^3 ×10^3 ×10^-6 और 10^-6 ×10^-12, 10^-12 में से 11 जाएगा प्लस का, तो 10^-1 बचेगा, ये बचेगा 10^-1, ऊपर ये बचेगा। इसके अलावा अपने पास में यहाँ से पॉइंट रहेगा नीचे 0 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट रहेगा नीचे 0 आ जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा ½, ये पॉइंट रहेगा यहाँ से, ये 0 और ये 0, ये अपने पास में बनेगा 10^-1/200। इसको लिख सकते हैं 1/2 × 10^-1, ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 0 ऊपर जाएंगे, हो जाएगा 10^-3, ये बनेगा अपने पास में 0.5 × 10^-3, 0.5 × 10^-3, या फिर इसी को लिख सकते हैं 5 × 10^-4 जूल, ये अपने पास में कार्य W का माना जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में है 5 × 10^-4 जूल, यह है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में क्वेश्चन एग्जांपल नंबर अगला 12वां क्वेश्चन है, गामा प्रत्यास्थता गुणांक वाले एक तार की लंबाई 1% की वृद्धि करने पर इकाई आयतन में किया गया कार्य कितना होगा, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है और गामा का मान अपने को दे रखा है 9 × 10^11। सही है, देखना सॉल्यूशन क्या होगा, प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा या प्रति एकांक आयतन में किया गया कार्य बराबर होगा,
ये अपने पास में होगा न्यू वी। ये फॉर्मूला अपने पास में होता है एक बट्टा दो गुणा, अपने को गामा दिया गया है तो गामा के फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है, एक बट्टा दो गामा इंटू विकृति का स्क्वायर, विकृति का स्क्वायर। ये अपने पास में प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये क्वेश्चन अपने पास में सोल्व हो जाएगा। यहाँ से देखना, प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा न्यू वी एक बट्टा दो इंटू गामा, गामा का मान क्वेश्चन में गिवन है, यह है 9 × 10^11 इंटू विकृति, विकृति डेल्टा एल अपॉन एल, इसका क्या होगा स्क्वायर। तो आगे अपने पास में न्यू वी इक्वल टू 1/2 इंटू 9 × 10^11 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ, लंबाई में कितने क्या चेंज हो रहा है, लंबाई में 1% की वृद्धि हो रही है, 1% का मतलब 1/100 लिख दिया इसको, परसेंटेज कितने ठाने के लिए 100 आएगा नीचे, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसी को और सोल्व करते हैं, न्यू वी इक्वल टू, ये 2 से कटेगा, कितनी बार कटेगा 4.5 बार गुणा, ये 10^11 गुणा 1/100 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर 10^4, 10^2 और 10^2 से 2 गुणा होगा 10^4 हो जाएगा, ऐसे बनेगा अपने पास। तो यहाँ से न्यू वी बराबर ये 4.5 गुणा 10^4 ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो अपने पास में बचेगा 7, 4.5 गुणा 10^7 जूल किया गया कार्य होगा। ये कौन से ऑप्शन में है, 4.5 × 10^7, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको थ्योरी की क्लास उसमें लिखवा रखें, डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, फॉर्मूले में उठाएंगे वैल्यू रख देंगे तो अपने पास में आंसर निकल के आ जाएगा, सही है। इन दोनों क्वेश्चनों को आप नोट करो, फिर अपन क्या करते हैं आगे डिस्कस करते हैं। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13, इसमें अपने को दिया गया है कि जब तनाव 4 न्यूटन है तब एक प्रत्यास्थ डोरी की लंबाई ए मीटर है, जब तनाव 5 न्यूटन है तब लंबाई कितनी है बी मीटर है, और जब तनाव 9 मीटर हो तब डोरी की लंबाई क्या होगी, सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में फॉर्मूला लिखवा रखा है तुमको, अपने पास में पहले के लिए जब डोरी में तनाव 4 न्यूटन है और उस डोरी की लंबाई ए मीटर है तो अपने पास में देखना फॉर्मूला क्या बनेगा, ये अपने पास में बनेगा इसकी लंबाई L1 ए है बराबर इसकी ओरिजिनल लेंथ वास्तविक लंबाई कैपिटल L है प्लस इसमें तनाव T1, तनाव अपने पास में कितना है 4 न्यूटन है अपॉन इसमें क्या है ये क्या है K है, सही है। ये अपने पास में बनेगा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 क्या बनेगा, अपने पास में लंबाई कितनी है बी है, वास्तविक लंबाई इसकी एल है प्लस तनाव इसमें कितना है 5 न्यूटन है, ये अपने पास में अपॉन के, दोनों समीकरण बन जाएंगे, ये समीकरण 1 ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से अपन एल का मान ज्ञात कर लेते हैं और के का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखना समीकरण 1 और 2 से क्या होगा अपने पास में, एल बराबर वास्तविक लंबाई, एल के लिए क्या फॉर्मूला होता है अपने पास में, एल के लिए फॉर्मूला अपने पास में होता है T2 − T1, ये L1 और ये L2, T2 − T1 अपॉन T2 − T1, टी मतलब तनाव पहले में तनाव, T2 का मतलब दूसरी डोरी में तनाव, T1 का मतलब L1 का मतलब पहले तार की लंबाई और L2 का मतलब दूसरे तार की लंबाई, सही है। देखना कितना होगा L बराबर पहले तार की लंबाई, पहले तार की डोरी की लंबाई कितनी है A है स्मॉल A, इसमें तनाव, तनाव कौन से का दूसरे वाले का, दूसरे वाले का तनाव T2 का मान कितना है, ये अपने पास में है 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन माइनस L2 लंबाई दूसरे वाले की, L2 का मान है B और तनाव T1 पहले वाले में तनाव कितना है, यह है 4 न्यूटन। क्वेश्चन में अपने पास गिवन है तनाव T1 T2 L1 L2, पहले वाले में तनाव है 4 न्यूटन, यह अपने पास में है 5 न्यूटन, पहले वाले की लंबाई है A, दूसरे वाले की लंबाई कितनी है B, ये सारी वैल्यू उठा इसमें रख दिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अपॉन T2 − T1, T2 का मान 5, T1 का मान कितना है 4, तो L बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5A माइनस का 4B, 5 − 4 कितना होगा 1, तो L का मान ये आ जाएगा, ये अपने पास में आ गई इसकी वास्तविक लंबाई। अब L का मान किसी भी समीकरण में रख के K का मान ज्ञात कर लेते हैं, L का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में L का मान रखने पर, L का मान रखने पे क्या होगा देखना, यहाँ से समीकरण 1 में L का मान रख दो तो
तो ए बराबर एल का मान कितना है ये ना, यह है 5 ए माइनस का 4 बी प्लस का 4 बटा के। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, इस तरफ जाएगा, हो जाएगा ए माइनस का 5 ए प्लस का 4 बी बराबर 4 बटा के। तो यहाँ से 5 में से एक जाएगा, 4 बचेगा माइनस का, ये प्लस का 4 बी, तो ये 4 बी माइनस का 4 ए बराबर 4 बटा के। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी, 4 इसमें, कैंसिल आउट, ये बचेगा यहाँ से b माइनस ए बराबर बचेगा 1 बटा के। ये 1 बटा के का माना गया, ये अपने पास में एल का माना गया। पूछा क्या अपने को, जब तनाव नो न्यूटन हो तो डोरी की लंबाई कितनी होगी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ सोल्व कर लेते हैं। जब तनाव कितना है, नो न्यूटन है, तो डोरी की लंबाई याद करें, डोरी की लंबाई एल, इसको एल थ्री मान लेते हैं, एल थ्री बराबर होगा एल प्लस तनाव तीसरे वाले में तनाव टी थ्री अपोन के, ये बनेगा फॉर्मूला। एल थ्री का मान अपने को याद करना है, एल थ्री बराबर लंबाई एल, एल का मान अपने पास में ये रहा, यह है 5 ए माइनस का 4 बी प्लस टी थ्री, टी थ्री अपने पास में कितना है तनाव, जब तनाव कितना है नो न्यूटन, टी थ्री का मान है नो न्यूटन, टी थ्री दे रखा है क्वेश्चन में, यह है नो न्यूटन अपॉन 1 अपॉन के, 1 अपॉन के का वैल्यू ये रहा, 1 अपॉन के ओके का वैल्यू है, ये अपने पास में है बी माइनस ए, ये होगा अपने पास में। आगे इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से एल थ्री बराबर ये हो जाएगा 5 ए माइनस का 4 बी प्लस का 9 बी माइनस का 9 ए। इसको आगे सोल्व करते हैं, तो तीसरे तार में जो तनाव है, डोरी की लंबाई एल थ्री है, वो अपने पास में कितनी हो जाएगी, तीसरे तार की डोरी की लंबाई एल थ्री हो जाएगी अपने पास में 5 ए, इसमें से कटेगा ये, इसमें से ये कटेगा, तो 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5 बी, इधर बचेगा माइनस का 9 में से प्लस का 5 जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 4 ए, प्लस का 5 बी माइनस का 4 ए, कौन से ऑप्शन में, यह है ऑप्शन नंबर बी। तो अपने पास में जब तनाव नो न्यूटन होगा, टी थ्री का मान नो न्यूटन होगा, तो उस डोरी की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 बी माइनस का 4 ए, जो ऑप्शन नंबर बी में मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 14, इसमें देखो खींचे हुए तार में प्रति इकाई आयतन में संचित ऊर्जा, तो प्रति इकाई आयतन में संचित ऊर्जा के लिए फॉर्मूला कितना होता है अपने पास में, थोड़ी क्लास में सारे फॉर्मूले ड्राई करवा रखे हैं, उन्हीं में से एक फॉर्मूला ये भी ड्राई करवा रखे हैं, 1/2 यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुणा विकृति का स्क्वायर, ये अपने पास में क्या होगा, प्रति एकांक आयतन में संचित स्थिति ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होगा, सही है। तो ऑप्शन नंबर एक अपना क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, इसको आपको फिर मैं नोट करो, फिर अपन क्या करते हैं आगे के क्वेश्चन को क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15, इसमें अपने को दिया गया है कि एक धात्विक घन है के सभी पार्श्वों पर जब दाब 10^6 पास्कल से बढ़ाया जाता है, इसका आयतन 0.03% कम हो जाता है, धातु का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि ब्लैक मॉडुलस अपने को याद करना है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की अपन बात करें तो ब्लैक मॉडुलस बी या के बराबर अपने पास में कितना होता है, यह अपने पास में होता है पी अपोन डेल्टा वी अपोन वी, पी अपने पास में प्रेशर, डेल्टा वी अपोन वी अपने पास में है चेंज इन वॉल्यूम। तो क्वेश्चन में अपने को दिया गया है पी का वैल्यू, पी दाब अपने को दिया गया है 10^6 पास्कल, इसके अलावा चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी अपॉन वी, इसका आयतन कितना कम हो गया 0.003% कम हो गया, यानी डेल्टा वी अपॉन वी कितना हो गया 0.003%, परसेंट का मतलब नीचे 100 लगा देते, सही है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी, डेल्टा वी अपॉन वी ये हो जाएगा 3 गुणा पॉइंट है, यहाँ से नीचे आएगा 30 बटा में 100 है, ये ऐसे बन जाएगा, इसी को ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू 3 गुणा 10^5 ऊपर जाएगा 10^-5, ये डेल्टा वी अपॉन वी का वैल्यू हो गया, ये सब वैल्यू उठा के समीकरण में रखते हैं तो क्या बन जाएगा अपने पास में बी बराबर अपने पास में पी का मान है 10^6, डेल्टा वी अपॉन वी ये अपने पास में है 3 गुणा 10^-5, तो कितना बन जाएगा बी बराबर, ये हो जाएगा 1/3 गुणा 10^5 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 10^6 और 5 11, इसको और सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास में, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10/3 गुणा 10^10
तो यहाँ से बी बराबर कितना हो जाएगा, 10 में 3 का भाग लो, ये हो जाएगा 3.33 गुणा 10 की घात 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 3.3 गुणा 10 की घात 10, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 16 है, इसमें दिया गया है तांबे का एक ठोस घन का एक किनारा 10 सेंटीमीटर का है। सॉल्यूशन देखना, एक ठोस घन है उसका किनारा यानी कि उसकी लेंथ एल, ये अपने पास में कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। इस पर 7.20 गुणा 10 की घात 6 दाब पास्कल का जलीय दाब लगाने पर इसके आयतन में 0.06 सेंटीमीटर क्यूब का संकुचन हो जाता है। तो तांबे का आयतन गुणांक ज्ञात करना है। तो एल का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर, अपने पास में जलीय दाब प्रेशर पी दे रखा है 7.20 गुणा 10 की घात 6 पास्कल, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी अपॉन वी ये अपने को दे रखा है 0.06 सेंटीमीटर क्यूब, सही है। इसका आयतन संकुचन कितना हो गया, डेल्टा वी का मान कितना हो गया, 0.06 सेंटीमीटर क्यूब। अपने पास में बी ब्लैक मॉडुलस बी बराबर होता है पी वी अपॉन डेल्टा वी, सही है। एल का मान अपने को दे रखा है, अपने पास में घन की लेंथ दे रखी है, तो घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन भी बराबर होता है भुजा क्यूब यानी एल का क्यूब। एल का क्यूब कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का क्यूब, 10 सेंटीमीटर का क्यूब। तो यहाँ से वी बराबर आ जाएगा 10 का क्यूब 1000 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। किसका वैल्यू, वी का वैल्यू, पी का वैल्यू दे रखा है 7.20 गुणा 10 की घात 6 पास्कल, डेल्टा वी का मान दे रखा है 0.06 सेंटीमीटर क्यूब। सारी वैल्यू उठाकर इसमें रख देते हैं तो बी का मान आ जाएगा, बी बराबर कितना आएगा, पी का मान, पी का मान क्वेश्चन में गिवन है, यह है 7.20 गुणा 10 की घात 6 अपॉन इंटू वी, वी का मान ये रहा, यह है 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन डेल्टा वी, डेल्टा वी का मान ये रहा 0.06 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कटेगा, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कटेगा, क्या बचेगा बीटा बराबर, ये बचेगा 72/6 × 10 की घात 6 और 3 10 की घात 9 पर ये किए, ये हो जाएगा 10 की घात 10, ये बनेगा 72/6 × 10 की घात 10। इसको आगे सोल्व करते हैं, चक्का भाग लगो 72 में 12 बार आएगा, 12 × 10 की घात 10, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1.2 × 10 की घात 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ब्लैक मॉडुलस का मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास में 1.2 × 10 की घात 11, कौन से ऑप्शन में 1.2 × 10 की घात 11, 1.2 × 10 की घात 11, ये ऑप्शन नंबर एक में। तो जो ऑप्शन नंबर एक है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को कॉपी में नोट करो, फिर जो आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 17, इसमें अपने को दिया गया है एक प्रत्यास्थ पदार्थ के लिए गामा नेटा और के मध्य संबंध क्या होगा, यानी कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बीच रिलेशन क्या होगा। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सही है। इसका डिटेल सॉल्यूशन जो है कि जो थ्योरी की क्लास है उसमें करवा रखा है, दो समीकरण याद रखने हैं इसके लिए। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में गामा बराबर होता है 3K1-2σ और एक होता है गामा बराबर 2η1+σ। इन दोनों समीकरण को सोल्व करेंगे तो अपने पास में ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, देखना कैसे आएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये अपने पास में इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट से देखो, गामा अपॉन 3K ये बराबर अपने पास में होगा 1-2σ और अपने पास में गामा अपॉन ईटा दो इधर मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 2+2σ। ये समीकरण नंबर 3 और यह समीकरण नंबर 4, ये होगा समीकरण 3+ समीकरण 4, समीकरण 3+4, समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाले जुड़ेंगे राइट वाले जुड़ेंगे, ये हो जाएगा अपने पास में गामा अपॉन 3K प्लस गामा अपॉन ईटा इक्वल टू, इन दोनों को जुड़ेंगे 2σ+ का 2σ- का कैंसिल आउट, 2+1 3 हो जाएगा, गामा को नीचे भेज देते हैं, ये हो जाएगा 1/3K+1/η=3/γ, सही है। इस पूरे को क्या कर देते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं,
यहाँ भी तीन से गुणा, यहाँ भी तीन से गुणा, यहाँ भी तीन से गुणा, देखना क्या होगा। वन अपॉन थ्री से इंटू करेंगे तो हो जाएगा नाइन के प्लस, इसको थ्री से इंटू करेंगे हो जाएगा थ्री नीटा बराबर, इसको थ्री से इंटू करेंगे थ्री से थ्री कट जाएगा, ये बचेगा वन अपॉन गामा। ये ऑप्शन कौन से में मैच करता है? ये अपने पास में ऑप्शन नंबर चार में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर चार अपना क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर है 18, इसमें देखो एक ही पदार्थ से निर्मित दो तार है अपने पास में, आयतन इनका समान यानी दोनों का वॉल्यूम समान, तार एक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए दे रखा है और तार दो का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल थ्री ए दे रखा है। यदि जब F बल लगाने पर तार एक की लंबाई में डेल्टा एक्स की वृद्धि होती है तो तार दो में वही वृद्धि प्राप्त करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? देखना सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में दो तार हैं, दोनों का वॉल्यूम समान है, वॉल्यूम समान है, पहला वाला तार का वॉल्यूम वी वन, दूसरे वाले तार का वॉल्यूम वी टू, सही है। वी वन बराबर अपने पास में होगा एरिया इंटू लंबाई ए वन एल वन, इस वाले का वॉल्यूम ए टू और इसकी लंबाई एल टू, सही है। दोनों का आयतन समान यानी कि वी वन बराबर क्या है वी टू, वी वन वी टू को बराबर रख दो, ये हो जाएगा ए वन एल वन बराबर ये हो जाएगा ए टू एल टू हो जाएगा अपने पास में। तो एरिया ए वन ए टू, ये ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू अपने पास में कितना होगा एल टू अपॉन एल वन, ये रिजल्ट अपने पास में आएगा, सही है। तो ए वन पहले वाले का क्षेत्रफल अपने पास में क्षेत्रफल और ए टू दूसरे वाले का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दे रखा है, ए वन का मान दे रखा है पहले वाले का क्षेत्रफल ए वन ये अपने पास में है ए, दूसरे वाले का क्षेत्रफल ए टू ये अपने पास में है थ्री, सही है। रख देते हैं यहाँ ए वन का मान तो कितना है ए और ए टू का मान कितना है थ्री, ये बराबर किसके है, यह है एल टू अपोन एल वन के, ए से ए कटेगा ये हो जाएगा वन अपोन थ्री इक्वल टू एल टू अपोन एल वन। यहाँ से अपने पास में एल वन एल टू का वैल्यू आ गया, यहाँ से अपने पास में एल वन, एल वन तो बराबर तो आ गया थ्री और एल टू, एल टू बराबर कितना आ गया, ये अपने पास में आ गया एक, सही है। एल टू बराबर एक, एल वन बराबर कितना हो गया थ्री हो गया। अब अपने को क्या करना है, यदि बल एफ लगाने पर तार एक की लंबाई में डेल्टा एक्स की वृद्धि होती है तो तार दो की लंबाई में वही वृद्धि डेल्टा एक्स वृद्धि करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? तो तार ए के लिए देखो गामा बराबर अपने पास में कितना होता है, गामा बराबर अपने पास में होता है एफ ए अपोन एफ एल अपोन ए डेल्टा एल, ये वैल्यू अपने पास में होता है, सही। पहले वाले के लिए गामा ए, गामा ए बराबर एफ बल का मान पहले वाले के लिए एफ, पहले वाले की लंबाई एल वन, पहले वाले की लंबाई एल वन, पहले वाले का एरिया ए वन, पहले वाले के लिए डेल्टा एल वन। उसी प्रकार से अपने पास में गामा बी वाले के लिए एफ डेस अपने को याद करना है बल का मान, इस वाले की लंबाई एल टू मान लेते हैं, इस वाले का एरिया ए टू मान लेते हैं, इस वाले में चेंज डेल्टा एल टू मान लेते हैं, सही है। तो यहाँ से अपने पास में समान पदार्थ के बने हुए हैं, गामा ए और गामा बी का मान सेम होगा तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से अपने पास में एफ इंटू पहले वाले की लंबाई एल वन, एल वन का मान कितना है, एल वन का मान है तीन, एल वन का मान तीन अपोन पहले वाले का एरिया ए वन, ए वन का मान कितना है ई ए इंटू डेल्टा एल वन, डेल्टा एल वन चेंज कितना है डेल्टा एक्स, यह है डेल्टा एक्स बराबर एफ डेस अपने को याद करना है इंटू एल टू दूसरे वाले की लंबाई एल टू, एल टू का मान ये रहा अपने पास में, एल टू का मान है वन, एल टू का मान वन अपोन ए टू दूसरे वाले का एरिया ए टू कितना है थ्री, थ्री ए इंटू वही वर्दी प्राप्त करनी है तो डेल्टा एल टू का मान कितना होगा, वही डेल्टा एक्स होगा, डेल्टा एक्स। यहाँ से अपने को एफ डेस याद करना है तो देखना एफ डेस अपने पास में कितना होगा, यहाँ से अपने पास में एफ डेस हो जाएगा एफ से एफ कटेगा, एफ अपने पास में ऐसे कैसे रहेगा, इधर देखना ए से ए कटेगा, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कटेगा, ये अपने पास में हो जाएगा थ्री एफ इक्वल टू एफ डेस अपोन थ्री, ये होगा अपने पास में, इधर से अपने पास में थ्री बचेगा थ्री एफ, ऊपर अपने पास में बचेगा एफ डेस, इस ए से ए कटेगा, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कटेगा, अपने पास में बचेगा एफ डेस। अब वही वृद्धि प्राप्त करने के लिए बल का मान कितना होगा, एफ डेस अपने पास में कितना आएगा, एफ डेस ये बराबर अपने पास में आएगा नाइन एफ, यानी दूसरे तार के लिए जो लगने वाला बल होगा वो अपने पास में कितना होगा, नाइन एफ होगा, यानी कि नाइन एफ होगा, यहाँ पे अपने पास में ऑप्शन में नाइन है तो नाइन एफ
वही वृद्धि प्राप्त करने के लिए बल की आवश्यकता होगी, पहले वाले बल की 9 गुने की आवश्यकता होगी। तो 9 कौन से ऑप्शन में है? यह है थर्ड, फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा इसके लिए? करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 19। इसमें अपने को दिया गया है कि एक ही पदार्थ से बने दो तार की लंबाई समान है, जबकि दूसरे तार का व्यास पहले वाले तार के व्यास से 2 गुना है। दोनों तारों पर समान बल या समान भार आरोपित करने पर इनकी लंबाई में जो वृद्धि हुई है डेल्टा एक्स, उनका अनुपात ज्ञात करना है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में एक ही पदार्थ से बने दो तार है, ये अपने पास में है तार नंबर पहला, यह अपने पास में है तार नंबर दूसरा। दो तार है एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, इसके लिए गामा का मान और इसके लिए गामा का मान सेम है, यंग प्रत्यास्थ गुणांक इसका भी गामा, यंग प्रत्यास्थ गुणांक इसका भी गामा, जबकि लंबाई भी समान है, पहले वाले की लंबाई, इसकी भी लंबाई L, इसकी भी लंबाई कितनी है L, दोनों की लंबाई समान है, जबकि दूसरे तार का व्यास पहले वाले तार के व्यास का 2 गुना है। इस वाले तार का व्यास यानी कि 2R, ये बराबर अपने पास में है 1, इस वाले का व्यास 2R, ये अपने पास में कितना है, पहले वाले तार का 2 गुना है, इसका व्यास कितना है 2, यानी कि इस वाले का व्यास कितना है 1 है, इस वाले का व्यास कितना है 2 है, 2R यानी कि क्या हो गया ये D बराबर, और ये क्या हो गया D बराबर, सही है। इस वाले का व्यास 1 है तो इस वाले का व्यास कितना है 2 है, दूसरे वाले तार का व्यास पहले वाले तार के व्यास का क्या है 2 गुना है, इनकी लंबाई में वृद्धि ज्ञात करनी है। तो गामा बराबर अपने पास में कितना होता है, गामा बराबर अपने पास में होता है एफ एल अपोन ए डेल्टा एल, सही है। तो पहले वाले तार के लिए ये हो जाएगा गामा ए, ये गामा ए, लेंथ इसकी एल ए, गामा ए इक्वल टू, बल दोनों के लिए सेम है, समान भार द्वारा खींचने पर इसके लिए बल का मान एफ, इसके लिए भी बल का मान एफ, इसके लिए भी बल का मान एफ, सही है। इसके लिए बी, इसके लिए भी क्या है ये एल बी, तो एल का मान कितना है, यह है एल ए अपॉन एरिया, क्षेत्रफल कितना, त्रिज्या कितनी है यहाँ पे, त्रिज्या यहाँ पर है 1/2, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू, इसके लिए डेल्टा एल, ये ए वाले तार के लिए सही है, ए हो जाएगा। इसको मान लो तार ए, इसको मान लेते हैं तार बी, ये गामा ए का मान हो गया, इसी के लिए याद करते हैं आप, गामा बी बराबर कितना होगा, समान बल एफ इंटू, इसके लिए लंबाई एल बी, लंबाई कितनी है इसके लिए एल बी, एल बी अपोन, इस वाले का क्षेत्रफल, त्रिज्या कितनी होगी आर, क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 1, तो पाई आर स्क्वायर या 1 का स्क्वायर, तो ये पाई बचेगा इंटू इसमें चेंज डेल्टा एल बी, सही है। गामा ए और गामा बी दोनों बराबर है, सेम पदार्थ के बने हुए हैं, एल ए और एल बी बराबर है, तो यहाँ से अपने पास में कितना हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर, गामा ए बराबर गामा बी, गामा ए का मान है एफ एल ए अपोन डेल्टा एल ए, पाई बाय 4 को उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा 4/π बराबर, गामा बी का मान एफ इंटू एल बी अपोन पाई इंटू डेल्टा एल बी, सही है। क्वेश्चन में अपने पास में दोनों की लेंथ डेल्टा यानी कि एल ए बराबर किसके होगा, एल बी के, दोनों की लंबाई समान है तो एल ए एल बी कटेगा, एफ भी समान है एफ से एफ कटेगा, इधर बचेगा 4, पाई से पाई कटेगा, इधर बचेगा डेल्टा एल ए इक्वल टू, इधर ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा डेल्टा एल बी, डेल्टा एल ए डेल्टा एल बी याद करना है, डेल्टा एल ए को इस तरह भेज देते हैं तो अपने पास में कितना हो जाएगा, हो जाएगा डेल्टा एल ए अपॉन डेल्टा एल बी बराबर, ये इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा 4/1, इस तरफ आएगा डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एल बी 4/1 अनुपात कितना हो जाएगा दोनों का, 4:1, दोनों तारों की लंबाई में जो वृद्धि का अनुपात होगा वो 4:1 होगा। कौन से ऑप्शन में है 4:1, ये ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 20, इसमें दिया गया है किसी तार को बल एफ द्वारा 0.01 मीटर खींचा जाता है, यानी डेल्टा एक्स, सॉल्यूशन देखना क्या होगा, खींचा जाता है तो डेल्टा एक्स का मान कितना हो गया, डेल्टा एक्स या डेल्टा एल जो भी मानते हैं, डेल्टा एल मान लो, डेल्टा एल बराबर है 0.01 मीटर, लंबाई में परिवर्तन हो गया,
समान पदार्थ के एक अन्य तार जिसका व्यास व लंबाई पहले वाले तार की दोगुनी है। समान पदार्थ का एक अन्य तार है, ये एक अन्य तार है, अन्य तार, इसकी लंबाई जो L है वो क्या है? अन्य तार जिसके व्यास और लंबाई पहले वाले तार की दोगुनी है। लंबाई इसकी कितनी है? दोगुनी। पहले वाले तार की लंबाई है L बराबर मान लेते हैं एक, दूसरे वाले तार की लंबाई, ये L पहला वाला तार, ये दूसरा वाला तार, इसकी लंबाई एक, तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी दोगुनी है, दो। और पहले वाले तार का व्यास, व्यास यानी कि 2R, पहले तार का व्यास मान लेते हैं एक है, तो दूसरे वाले तार का व्यास d बराबर 2R, ये कितना है? दोगुना है। दूसरे वाले तार की लंबाई भी दोगुनी और व्यास भी क्या है? दोगुना है। समान बल द्वारा खींचने पर, इसके लिए बल का मान F है, इसके लिए भी बल का मान क्या है? F। खींचने पर इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। लंबाई में वृद्धि याद करनी है, यानी कि डेल्टा एक्स का मान याद करना है। कौन से के लिए? दूसरे वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए डेल्टा एक्स का मान याद करना है, पहले वाले के लिए डेल्टा एल का मान दे रखा है, दूसरे वाले के लिए डेल्टा एल का मान याद करना है। तो ये अपने पास में डेल्टा एल1 है, अपने को याद करना है डेल्टा एल2। तो पहले वाले में देखना समान पदार्थ के हैं, तो इसके लिए गामा ए बराबर अपने पास में होगा बल का मान एफ इंटू लंबाई एल, एल का मान कितना है? एक, अपॉन एरिया, एरिया कितना हो जाएगा यहाँ से? आर बराबर कितना हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा 1/2, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई बाई 4 इंटू चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, डेल्टा एल वन का मान ये रहा 0.01। इस वाले के लिए गामा बी बराबर बल एफ है इंटू इसकी लंबाई, लंबाई कितनी है? 2 है, लंबाई 2। इस वाले के लिए एरिया, यहाँ से आर बराबर कितना होगा? आर बराबर होगा 1, तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर का मान 1 का स्क्वायर इंटू डेल्टा एल टू, डेल्टा एल टू याद करना है। गामा ए गामा बी बराबर होगा क्योंकि सेम पदार्थ के बने हुए हैं, तो यहाँ से गामा ए बराबर गामा बी, ये हो जाएगा इधर से एफ अपॉन 4 ऊपर चला जाएगा, ये 4 एफ पाई इंटू 0.01 बराबर इधर से हो जाएगा 2 एफ अपॉन ये पाई 1 का स्क्वायर 1 गुणा डेल्टा एल टू, डेल्टा एल टू याद कर सकते हैं यहाँ से, देखना क्या आएगा। एफ से एफ कटेगा, पाई से पाई कटेगा, ये 2 से कटेगा 2 बार, इधर बचेगा 2/0.01 बराबर 2 से 2 कट गया, एफ से एफ कट गया, इधर बच गया 1 अपॉन डेल्टा एल टू, डेल्टा एल टू बच गया। इसको इधर गुणा करा दो, इसको इधर गुणा करवा दो, तो यहाँ से अपने पास में ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ उल्टा हो जाएगा, हो जाएगा डेल्टा एल टू बराबर 0.01/2, सही है। इसको उल्टा कर देंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, इसमें इसका भाग लगा दूँ, इसको लिख सकते हैं 1/2 गुणा 100, सही है, पॉइंट रहेगा नीचे 100 आ जाएगा, 1/200 हो गया। इसका मान कितना हो गया अपने पास में? इसमें इसका भाग लगाओ, ये बचेगा 0.5, 0.5 भाग 100, 0.5 में 100 का भाग लगा दो, 2 पॉइंट चला जाएगा, ये हो जाएगा 0.005, ये बनेगा अपने पास में, ये पॉइंट रहेगा यहाँ से, ये 0.0 आ जाएंगे, 0.005 कौन से ऑप्शन में? ये ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा इसके लिए? करेक्ट हो जाएगा, सही है। इसको सोल्व करेंगे, 1/2 का मतलब 0.5, ये नीचे जाएगा, यहाँ से पॉइंट रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो 2 इधर कट जाएगा, ये हो जाएगा 0.05, जो ऑप्शन नंबर 1 में मैच करता है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, ये जो दोनों क्वेश्चन हैं इनको बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। तो आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो।